राकेश और आज हम आपको ट्यूबलाइट के 6 दिन के कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। ट्यूबलाइट का जो है फाइनली 100 करोड़ हो चुका है। 6वें दिन पे फिल्म ने जो है 105 करोड़ कलेक्ट कर लिया है। कल के दिन में फिल्म ने जो है 10 करोड़ का बिजनेस किया, उसके पहले 95 करोड़ तक का बिजनेस किया था 5 दिन में। ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म को जो है इतने अच्छे रिव्यूज तो नहीं मिले, लेकिन ईद पर अगर रिलीज हुई है तो सलमान के जितने भी फैंस हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी ईदी दी है सलमान खान को। 100 करोड़ जो है फिल्म ने क्रॉस कर लिया है, जो इस साल की फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है जो है ट्यूबलाइट की अगर हम बात करें। इससे पहले जो है रईस का जो रिकॉर्ड था 109 करोड़ था, जो कि उन्होंने 7 दिन में कलेक्ट किए थे, लेकिन ये फिल्म ने जो है 6 दिन में 105 करोड़ का बिजनेस किया है। हालांकि अगर हम फिल्म की बात करें तो बहुत ही कम बिजनेस है, फिल्म ऑलरेडी 100 करोड़ के बजट में बनी है और जो है फिल्म ने सिर्फ 105 करोड़ का अब तक बिजनेस किया है, जो कि फिल्म अब तक हिट नहीं कहलाएगी क्योंकि फिल्म जो है अब तक उतना कलेक्शन नहीं कर पाई है, उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया है फिल्म को जितने कलेक्शन में जो है प्रॉफिट में लगे हैं पैसे। तो जितना पीआर किया गया है फिल्म का, जितना प्रमोशन किया गया है, उस हिसाब से फिल्म का जो कलेक्शन है बहुत ही कम है। अगर फिल्म जो है 135 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है तभी है जब ट्यूबलाइट तभी ही हिट कहलाएगी, लेकिन इसके अलावा जो है ट्यूबलाइट फ्लॉप मानी जाएगी क्योंकि फिल्म का बजट ही 100 करोड़ का है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो फिल्म को अगर हिट करार करना है तो फिल्म को कहीं ना कहीं 135 करोड़ तक का बिजनेस करना होगा। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो फिल्म ने अब तक जो है 115 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है, जो कि वर्ल्ड वाइड जो स्क्रीन्स मिली है फिल्म को वो कम थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड में बहुत ही अच्छा बिजनेस किया, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि कहानी इतनी जो है लोगों पर पकड़ नहीं छोड़ पा रही है, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रही है। जैसे कि लोग एक्सपेक्ट करके जा रहे थे कि सलमान खान की जो चॉइसेस है इन दोनों बहुत ही अच्छी हो गई है फिल्म को लेकर, बजरंगी भाईजान की बात करें या फिर सुल्तान की बात करें, कई अच्छी फिल्में की है सलमान खान ने, लेकिन ये फिल्म करने के बाद जो है लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। तो आने वाले समय में सलमान की और भी अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है, लेकिन ये फिल्म का बिजनेस कहाँ तक पहुँच पाता है उसके लिए जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी, और जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।